बिहार लाइव सेवन खबर की तह तक। यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर जहानाबाद के मलहचक मोड़ से एरोड्राम स्टेडियम तक जाने वाली रास्ते की है। जी हाँ, इस तस्वीर को आप देखिए, इस रास्ते से गुजरिए और तकलीफ हो, मुश्किल हो, फिर भी गुजरते रहिए, बोलिएगा नहीं, क्योंकि बोलने से कोई फायदा नहीं है। फिलहाल जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं चाहिए और प्राधिकारियों को आम लोगों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रास्ते की कमोबेश स्थिति बरसों यही रहती है। हर रोज लगता है कि कुछ बदलेगा, लोगों की समस्या कम होगी, सड़क की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन यह दृश्य पिछले कई महीनों से है और इसी रास्ते से लोग गुजरने के लिए मजबूर हैं। खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे स्कूल का ब्रांच है, स्कूल चलता है, जहां स्कूली बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन साइकिल या फिर पैदल जाते वक्त उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कोई गाड़ी वाला आता है तो छींटा मार जाता है, कभी जरा सी चूक हुई तो साइकिल से सीधा पानी में बच्चे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोलिएगा नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि को फिलहाल वोट नहीं चाहिए और प्राधिकारियों को आपकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर जहानाबाद के मलहचक मोड़ से एरोड्राम स्टेडियम जाने वाली रास्ते की है और इसमें गाड़ी से जाने पर भी ऐसा महसूस होता है मानो कोई खंडहर में चल रहा है, किसी पहाड़ की वादियों में चल रहा है, जहां रास्ता स्पष्ट नहीं है या फिर गड्ढा बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, मिलीजुली जैसा लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह कोई पहाड़ की वादी नहीं, बिना सड़क की नहीं, बल्कि यह एक सड़क है जहां से हर रोज प्रशासन के लोग एवं जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसका उपाय नहीं निकाला जाता है, क्योंकि बड़े लोग जब गुजरते हैं तो वो चार चक्का गाड़ी एवं शीशा बंद गाड़ी से गुजरते हैं। यहाँ परेशानी तो उन लोगों को होती है जो पैदल या फिर साइकिल मोटरसाइकिल से गुजरते हैं, जिन्हें छींटा पड़ने का डर होता है, कहीं जा रहे हैं तो गिरने का डर होता है। कई बार बच्चे गिर भी चुके हैं, लेकिन उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बहरहाल यह तस्वीर आपने देखा और इस तस्वीर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बदहाल सड़क से बच्चों को कितनी परेशानी होती है वह बच्चे खुद बता रहे हैं, तो वहीं इस बदहाल सड़क को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण शर्मा ने क्या कुछ कहा है उसे भी सुनिए। हम लोग जब ट्यूशन जाते हैं तो रोज आने जाने में दिक्कत होता है, पता नहीं कौन यहाँ पे इतना पानी जमा दिया है, रोज आने जाने में दिक्कत होता है, क्या करे, जब आते हैं तो गाड़ी वाला छीटा मार देता है, जाने में दिक्कत होता है, गाड़ी आता है तो छीटा मार देता है, बड़ा बड़ा मोड़ के जाए पड़ता है, बड़ा बड़ा गड्ढा बना हुआ ना, कुछ भरेगा नहीं करता। आप तो बहुत बाद में आए, जब बरसात का मौसम था या फिर आएगा, अगर यही स्थिति रहा देखते बरसात में, जब आदमी इसमें गिर के छोटा छोटा बच्चा जब डूब जाता था, हम लोग उसको निकालते थे, तो लगता है कि तालाब है, पोखरा है, ये कोई रोड नहीं है। और इस पर जहानाबाद सरकार हो या बिहार सरकार, हम लोग कई एक बार आवाज़ उठाए पर अभी तक इसको अनसुनी कर दिया गया। पिछले 6 माह पहले टेंडर हुआ था, पर आपसी विवाद के कारण, शायद जो हमें जानकारी मिली है, मुकेश जी थे उस समय, सभी वार्ड पार्षद ने कहा कि ये फंड जो है रजिस्ट्री ऑफिस से जो फंड आता है, ये हम लोग के सभी वार्ड का फंड है, एक वार्ड में नहीं लगेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसी अकेले का वार्ड है, इससे हो करके अभी आप बोल रहे हैं कि सारे बड़े पदाधिकारी जाते हैं, शिक्षा विभाग का ऑफिस है पूरा, यहाँ आपके एरोड्राम है, यहाँ बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, हो रहा है। तो ये तो पूरे जहानाबाद का रोड है, इससे सब कोई प्रभावित है,
तो सर्वप्रथम सबको आपसी झगड़ा तनाव भूल करके इसको बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए नहीं हुआ तो हमारे जिलाधिकारी महोदय उनको तो देखना चाहिए, तो वो भी कल परसों भी गए होंगे, हमेशा जा रहे हैं, हमेशा जाते हैं, तो उनको चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से इसको बनाया जाए, लेकिन उनका भी कोई ध्यान नहीं है। पता नहीं, देखिए कब इसका दुर्भाग्य दूर होगा। खासकर बच्चों को बहुत मुश्किल हो चुकी, इधर स्कूल वगैरह भी है बहुत। सारा स्कूल इधर ही है, तो बच्चों को तो मुश्किल होगा जो पैदल जाता है या जो साइकिल से जाता है, कभी न कभी गिर ही जाता है। संजोग अच्छा है कि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। साइकिल से जाएगा, गिर जाएगा, गाड़ी पीछे से आ रहा है, क्या होगा। तो ये बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि जिलाधिकारी महोदय यथाशीघ्र इसको बनवाने का प्रयास करें। आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करेंगे सारे पदाधिकारी लोगों को कि जिस विभाग का भी ये सड़क हो, जल्द से जल्द इसको बनाया जाए।